Alright, so hello and good morning and welcome to the new video of this channel. आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है भाई और बहनों. मैं निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट स्लैश इंडियन स्टोर. मैं भी कभी नहीं गया वहाँ पे, आज पहली बार जाके देखूंगा कि क्या मामले है उसके. छुटमुट सा है वो, लेकिन मेरे घर पे रोटी खत्म हो गई है तो मैं रोटी देखता हूँ, वहाँ मिलेगी तो ले आऊंगा वाली जो मैं खाता हूँ. सब खाली है आज, सब खाली है. आज छुट्टी का दिन है भाई, कोई भी नहीं है सड़क पे, सब खाली खाली चल रहा है एकदम मामला, क्योंकि आज ब्लैक फ्राइडे है इनका. ब्लैक फ्राइडे होता है कुछ, पता नहीं क्यों होता है, कोई तो रीजन होता है, लेकिन इस दिन बहुत ज्यादा सेल वेल भी लगती है. तो मैं तो ऑलरेडी टीवी खरीद चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, एक नजर मार लूंगा कि आज के दिन में क्या कोई ऐसी खास डील मिल रही है जो मेरे को ले लेनी चाहिए, तो मैं ले लूंगा. कोई कपड़े वपड़े मिलेंगे तो. पर काफी खाली सुनसान सा माहौल है भाई, सब लोग घर है भाई यहाँ पे. ये तो खाली सड़कें है भाई आज तो, ऐसा नहीं होता है यूजुअली, काफी खालीपन हो गया है यहाँ पे तो. हमारे यहाँ तो त्योहार पे ज्यादा रौनक हो जाती है ना बल्कि, पर इनके यहाँ तो भाई सुनसान हो जाता है मामला. तो भाई वहाँ जाना है मुझे, चाट कॉर्नर. ये घर के काफी पास है तो 10 मिनट लगते हैं बस से यहाँ तक पहुँचने के लिए. तो देखता होगा अगर यहाँ पे ही काम का सामान मिल जाया करता होगा तो यहीं से ही उठा लिया करूंगा. पार्ले जी भी है, ये वाली मिल रही है मुझे तो यहाँ पे अभी, तो यही लेके देख लेता हूँ क्या मामले इसके. लेने का प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से और सामान लेने के लिए, तो ये खराब ना हो जाए इसीलिए मैं वापसी में ले लूंगा इसे. अभी के लिए यही रख देता हूँ, फिर से आऊंगा लेने. इसे मिल तो रही है वहाँ पे रोटी. देखो मैं एक काम करूंगा, दो पैकेट की जगह एक ही पैकेट ले लूंगा, पहले खा के देखूंगा कि वो कैसी है, क्योंकि उसका साइज भी छोटा है, पर देखूंगा कि वो एक्चुअली बनने के बाद कैसी लगती है, और फिर सही लगेगी तो एक और पैकेट ले जाऊंगा. पास में दुकान है वाली और मेरे कॉलेज के रास्ते भी है, कभी मन हुआ तो यही उतर जाओ फटाफट बस से, फिर दूसरी बस यही से पकड़ के वापस अपना. मेरे बाल भी थोड़े बढ़ गए ना, थोड़े नहीं काफी बढ़ गए हैं बाल, बाल भी कटवाने हैं. देखता हूँ टाइम निकाल के किसी दिन बाल भी कटवाऊंगा. अभी के लिए तो जा रहा हूँ मैं देखने के लिए कि सेल के क्या जरा मामले हैं. उसी दुकान में जाऊंगा जहाँ से जैकेट ली थी मैंने, मेसीज दुकान का नाम है. पैदल तो बहुत दूर है, मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया, पर कोई बात नहीं, जवान आदमी हूँ मैं एकदम, पैदल भागते भागते पहुंच जाऊंगा. इन एरियाज में फिर भी लोग है, फिर भी रौनक है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ यूनियन स्क्वायर, वहाँ दुकानें दुकानें हैं, ब्लैक फ्राइडे भी चल रहा है, लोग घूमने फिरने भी आते हैं, वहाँ खाने की चीजें भी हैं, तो यहाँ पे फिर भी रौनक है इस एरिया में. अब समझ आया, सब जनता जो है शॉपिंग करने गई हुई है. आज इतनी मस्त चटक जैकेट मिल रही है मुझे, $125 की जैकेट आई है वैसे, और $40 में मिल रही है. देख कंसिडर कर सकते हैं ऑप्शन. तो मुझे तो ये हुडी पसंद आई है, प्लेन रेड हुडी एडिडास लिखा है इस पे, पर सही है, क्वालिटी भी बढ़िया है इसकी. बाकी सेल तो वही है, बस सामान लुटपुट गया है बहुत ज्यादा और भीड़ भड़क्का हो चुका है ऑब्वियसली. देखो क्या हालत बन गई है. चलो एक तो रेड कलर की हुडी हो गई और एक ये जैकेट मिल रही है सिर्फ $40 की, तो मैंने एक ग्रीन कलर ले लिया, थोड़ा डिफरेंट लगेगा ना. अब बिलिंग कराने लाइन में लगना पड़ेगा, बड़ी लंबी लाइन है यहाँ पे, कंपैरेटिवली फिर भी कम लाइन है, फिर भी देखो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा. दो ही चीजें ली है मैंने काम की. मैं टारगेट में आ चुका हूँ घर की रोजमर्रा वाली चीजें लेने के लिए, यू नो ब्रेड बटर फलाना ढिमकाना. मुझे फेस वॉश लेना है पर मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा फेस वॉश बढ़िया है भाई इनमें से. तो मैंने तो गार्नियर का नाम सुना है, पर ये तो कोई मेकअप टाइप के रिमूवर लग रहे हैं, और इसका नाम सुना हुआ है, ये नहीं चाहिए मुझे. अब क्या करूं, मैंने ये वाला फेस वॉश ले लिया, मुझे भी नहीं पता ये कैसा है, कोई नहीं यूज करके देखता हूं, कोई ना कोई तो लेना ही था. मैंने तुम्हें दिखाया था कि मेरी टी शर्ट पे जो दाग है वो हट नहीं रहा था, तो वो शायद इससे हट जाएगा, ये उस जगह पे स्प्रे करा जाएगा और फिर साफ हो जाएगी वो जगह. चलो ये भी ले लेता हूं. जैसे मैं यहाँ पे ढंग से खाना नहीं खा पा रहा, मेरा खाना वाना मिस हो जाता है, कभी ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ ये प्रोटीन बार ले लेता हूँ, कुछ तो पेट भरेगा इससे, कुछ तो होता ही होगा तभी इतनी बिक रही है. पर कौन सा फ्लेवर बढ़िया है, ये वाली ले लेता हूँ, थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर होगा शायद, सही होगी ये तो, पर ये डार्क चॉकलेट है, वो ज्यादा कड़वी ना हो, रिस्क लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं. ये ले लेता हूँ, दो लूंगा तो डिस्काउंट मिल, दो ही ले लेता हूँ. ब्रेड इज इम्पोर्टेंट, ब्रेड भी ले लेते हैं, टमाटर भी ले लेता हूँ. एक ये हमारे घर पे ये पैन था पर मैंने खराब कर दिया उसको, तो ये ले लेता हूँ, इसमें तीन का सेट है अलग अलग साइज का, इसकी जरूरत तो पड़ेगी, खाना बनाता हूँ ना मैं एकदम स्वादिष्ट, क्योंकि मेरे हाथों में तो देखो वो जादू है. और एक मैंने इसका ये डंडा भी ले लिया, क्या मैंने खराब कर दिया था, अभी बताता हूँ कहानी. यार मेरा जो तकिया है ना मेमोरी फोम का, वो ना बहुत मोटा है, तो उसके ऊपर सर रखता हूँ मैं ऐसे रह जाता हूँ, उसमें सेटिंग नहीं बैठ पा रही, मेरा मजा नहीं आ रहा उसमें, तो सोच रहा हूँ एक ऐसा नॉर्मल सा तकिया उठा लेता हूँ. मजा नहीं आया, कुछ बढ़िया नहीं लग रहा, वो बात नहीं आ रही. बिलिंग कराने चलते फिर अभी के लिए, तो काफी सामान हो गया ना, उठा के भी लेके जाना पड़ेगा भाई. दो थैले तो ये हो गए मेरे पास अब, ओहो भारी है भाई, ऐसी बात नहीं है. देखो सामान तो बहुत हो गया है, वो तो व्लॉग बनाने के लिए अभी मैंने एक हाथ में कर दिया, पर सामान तो बहुत है. लेकिन जहाँ से बस पकड़नी है वो ऑलमोस्ट वही जगह है जहाँ पे चाट कॉर्नर है, जहाँ से मुझे रोटी उठानी है, तो ले ही लेता हूँ. देखो भाई रोटी भी उठा लिया, बस देखता हूँ कहाँ से पकड़नी है, क्योंकि ये वाली सड़क तो वन वे है, इधर से तो नहीं पकड़नी. मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, यहाँ तक आने का सफर भी लंबा था, बस पकड़ने जाना पड़ेगा.
मैं लेके आ गया हूँ अपने लिए पीनट बटर एंड सैंडविच, क्योंकि एक तो देखो सुबह से कुछ खाया नहीं और दूसरा जिम जाना है, और जिम जाना है तो पहले कुछ खाना पड़ेगा, तो ये कुछ खा के फटाफट से जिम निकलता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा खाना बनाने का तो टाइम नहीं था। टाइम टू गो टू जिम, लेकिन जिम जाने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं क्यों नए पैन और साथ में वो डंडा लाया उसका, जो भी कहते हैं उसको। आखिर कारण ये, डोंट जज द किचन गाइस, द किचन थोड़ा गंदा, बट डोंट जज द किचन। एक्चुअली क्या है कि मैंने कल इस पे आलू के पराठे बनाए, उसके बाद यहाँ से हमारी गैस ऑन ऑफ होती है, उसके बाद देखो ऐसा होना नहीं चाहिए, दिस इज वेरी केयरलेस, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैंने ऐसा कर दिया। मैं मानता हूँ मेरी गलती है भाई साहब, लेकिन मैंने गैस ना खाना बनाने के बाद खुली छोड़ दी और ये पैन इसके ऊपर रखा रह गया था। अब देखो कोई एक्सक्यूज नहीं बनता इस बात में, लेकिन क्या है कि मेरे दिमाग में 7,00,000 चीजें चल रही थी, वीडियो उधर अपलोड हो रही थी साथ में, फिर मैं अगली वीडियो एडिट के बारे में सोच रहा था, फिर उसके साथ में सोच रहा था कि मानस को फोन करके असाइनमेंट के काम, मतलब काफी चीजें मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रही थी, खाना भी बनानी होता यहाँ पे खुद ही, तो उस चक्कर में ना ये गैस जो है वो ऑन की ऑन रह गई। तो इसका बिना जाली वाला डंडा, तो मैंने इसका बिना जाली वाला डंडा ऐसे करके रख दिया था कुछ, तो ऐसे ही करके, और गैस ऑन थी तो ये पूरा गर्म हो गया होगा, पैन एकदम गर्म हो गया, वो यहाँ से पिघल गया, उसका ये अलग हो गया हिस्सा, हैंडल अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये ऐसे करके यहाँ पे चिपक गया पूरा पिघल के, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक लग चुका है गाइस, एज यू कैन क्लियरली सी। तो ऑब्वियसली इसमें खाना खाएंगे और फिर ये प्लास्टिक कहीं उधरता रहे थोड़ा थोड़ा, खाने के अंदर है तो ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं ही रहेगा ना ये, तो इसलिए मैं नए पैन ले आया और नया ये डंडा ले आया, इसका जो भी कहते हैं यार, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, करछी ले आया, नई करछी ले आया हूँ, खैर जिम चलता हुआ फटाफट से। यार जिम तो मैं जा रहा हूँ, देखो बॉडी भी बन रही है मेरी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन रही, मतलब मसल्स आ रही है, डिफाइन हो रही है बॉडी, एकदम टोन हो रही है, वो सब बातें हो रही है, बस एक प्रॉब्लम है, देखो क्या है कि मेरे को क्या है मसल बिल्ड करने, मुझे और थोड़ा तगड़ा होना है, तो उस चक्कर में क्या करना होता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा खाना खाना है, जो कि मैं यहाँ पे खा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने प्रोटीन ले लिया, पर वो भी मैं एक ही बार पी पाता हूँ आफ्टर जिम, एक्चुअली मैं दो बार पीना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, दो बार ही पीना चाहिए वैसे मुझे, पर उसका भी टाइम नहीं निकल पाता, मतलब तुम ये सोचो उसका टाइम नहीं निकल पा रहा है, मैं बाहर शायद ज्यादा दे रहा हूँ, मुझे ना और टाइम निकालना चाहिए सबके लिए, पर ये तो रहेगा कि चलो प्रोटीन की बात है, वो तो क्या ही बात है, प्रोटीन तो मैं फिर भी मैनेज कर लूं कैसे ना, मेन बात ये है कि मैं ढंग से खाना नहीं खा पा रहा, मतलब एक हो ना कि मैं नाश्ता भी भरपूर कर रहा हूं, फिर लंच भी भरपूर कर रहा हूं, फिर प्री वर्कआउट मील है, पोस्ट वर्कआउट मील है, फिर डिनर है एकदम तगड़ा, वो सब मामले नहीं हो पा रहे हैं जरा यहां पे, उस चक्कर में क्या है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं जिम में पूरी और फर्क भी पड़ रहा है, लेकिन अभी वो गेन नहीं आ पा रहा, मतलब समझ रहे हो, वो गेन्स चाहिए ना, जैसे उसके लिए खाने पे ध्यान देना पड़ेगा, देता हूं अभी मैं छुट्टियां एक महीने की कॉलेज की ना, फिर शायद मेरे पास खाने का एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा थोड़ा सा, फिलहाल आज शोल्डर मारता हूं और करूंगा अपना सुपर इंटेंस वर्कआउट, जो एनर्जी ड्रिंक को भी मात देते, आई एम ऑल अबाउट पुशिंग माय लिमिट्स एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, प्रोटीन शेक पी लेते हैं। फिर से निकल गया हूं घर से, अब मैं जा रहा हूं अपने मेल रूम में, तो मेरा सोशल सिक्योरिटी कार्ड आना था, एक बार चेक कर लेता हूं मैं जरा अपने लॉकर में कि आया या नहीं आया है। तो भाई इसका क्या चक्कर है ना, जो भी हमारे इस घर पे रहते होंगे पहले दो तीन लोग, जो भी जितने भी टाइम रहते होंगे, उन लोगों ने ना अपना एड्रेस चेंज नहीं किया होगा कुछ जगहों पे, इनके मेल आते रहते, हमारा मेल बॉक्स ना इनके मेल से ही भरता जाता है, अब इनके सारे निकालता हूं मैं, यहीं छोड़ दूंगा टेबल पे, मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी ठेका ले रखा है, इनकी भीड़ में से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मेरा आया है कि नहीं आया है, मेरा सोशल सिक्योरिटी कार्ड आ चुका है भाई, ये देखो यार यहाँ पे पूरा भी भरा हुआ है, अंदर भी इतनी भीड़ है भाई साहब, सब इनके हैं ये, इन लोगों के, अब मैं दिखा नहीं रहा तुम्हें, पर है मेरे हाथ में, और इस पे लिखा है कि इसको अपने साथ भी कहीं नहीं लेके जाना और इसको लेमिनेट भी नहीं करना है, पर इसमें एक नंबर है, ये नंबर होता है मेन, सोशल सिक्योरिटी नंबर है मेन। चलो अब मैं अपने लिए जो पैन लेके आया हूँ वो मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, इसको भी मैंने देख लिया क्या कहा जाता है, ये डंडा नहीं है गाइस, इसका नाम है सॉफ्ट ग्रिप नायलॉन टर्नर, इसको टर्नर कहा जाता है, रोटी को टर्न करते ना ऐसे घुड़ घुड़ करते हैं, इसको तो अनबॉक्स कर दिया मैंने, दिस इज डन। अच्छा ये बढ़िया क्वालिटी का है, जब पहले था वो इतना बढ़िया नहीं था, क्योंकि वो पैक ऑफ 12 पैक ऑफ पता नहीं 20 जो भी था, उसमें बड़ी सारी चीजें एक साथ आई थी, तो ये सिर्फ अलग से लिया, तो ऑब्वियसली ये बढ़िया क्वालिटी का, महंगा भी है थोड़ा उस हिसाब से। अगली चीज जो है भाई साहब, पैन ले आया हूं, तीन पैन है इसमें अलग अलग साइज के, वरना अभी तक हमारे पास यही पैन था, अब ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा बड़ा भी है ये वाला पैन, जो इसका सबसे बड़ा वाला साइज है, और बाकी साइज भी है ही इसमें, तो ये हमारा सबसे छोटा वाला पैन है, ऐसा लग रहा है जैसे ये तड़का लगाने वाला पैन है, पता नहीं इस पे तो क्या ही बनेगा, बट है हमारे पास यार, ऐसी क्या बात है, बढ़िया हो गया, छोटा पैन भी आ गया कुछ छोटी चीजें बनाने के लिए। फिर ये मिड साइज पैन है, मिड साइज पैन यू नो, कभी कुछ छोटे मोटे एग्स वेग्स बनाने हैं, कुछ भी करना है, वैसे इसमें फुल्का वुल्का भी बन जाएगा, जो मैं आलू पराठा पनीर अनियन पराठा बनाता हूं हल्दीराम, वो भी इसमें भी बन सकता है, क्योंकि इतना ही साइज का होता है लगभग। और फिर यू नो, अगर तुम्हें कभी कुछ बड़ी चीजें बनानी है, जैसे कि तुम्हें पता है ये बड़े काम ही करता हूं मैं हमेशा, बड़ी चीजें बनानी है तो बड़ा पैन भी है, ये भी सही है, बढ़िया है, जो पहले था हमारे पास वो इसका इसका था, वो छोटा था थोड़ा, अभी और बड़ा हो चुका है, वाह क्या बात है, कमाल कर दिया मैंने पैन ला के, तीनों कितने सुंदर लग रहे हैं, वाह।